एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेलों के दामों में लगातार उतार चढ़ाव का असर अब भारत पर पड़ने लगा है। ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है भारत में। थोक विक्रेताओं के लिए डीजल 25 रुपए तक महंगा हो चुका है, यानी होलसेल जो होलसेल में डीजल खरीदते हैं उन्हें अब एक लीटर डीजल पर 25 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। हालांकि जो आम आदमी पेट्रोल पंप पर डीजल भरता है उसे इस बढ़ोतरी का असर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो थोक विक्रेता जो होलसेल में डीजल खरीदता है उस पर महंगाई की मार पड़ चुकी है, उसे प्रति लीटर अब 25 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। मुंबई में थोक विक्रेताओं के लिए डीजल की कीमत 122.5 लीटर पर पहुंच गई है, यानी 122 रुपए लीटर प्रति लीटर डीजल के दाम थोक विक्रेताओं को चुकाने पड़ेंगे। तो मुंबई में थोक विक्रेताओं को अब एक लीटर डीजल के लिए 122 रुपए चुकाने पड़ेंगे। डीजल के दाम बढ़ने से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने की संभावना है, तो खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती है, क्योंकि जो थोक विक्रेता है जो डीजल बड़े पैमाने पर खरीदते हैं, अगर इन्हें डीजल महंगा मिलेगा तो ये जो कारण के लिए डीजल खरीदते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए डीजल खरीदते हैं, तो इनडायरेक्टली सभी खाने पीने की चीजें रोजमर्रा की चीजों के दामों पर असर पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेलों के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है उसका असर अब भारत पर पड़ने लगा है। ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। थोक विक्रेताओं के लिए डीजल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप पर डीजल भरने वाले लोगों के लिए दाम नहीं बढ़े हैं। आम आदमी को सीधा असर इसका नहीं पड़ेगा इस महंगाई का, लेकिन आम आदमी पर डायरेक्टली तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ेगा। वो कैसे? थोक विक्रेता जो डीजल खरीदते हैं वो ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि के लिए खरीदते हैं, और उन्हें अगर महंगा आएगा डीजल तो वो माल के भाव में बढ़ोतरी कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा देंगे, तो सीधे सीधे खाने पीने की चीजें रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएगी। मुंबई में अब थोक विक्रेताओं को एक लीटर डीजल के लिए 122 रुपए चुकाने होंगे। तो रूस यूक्रेन जंग का साइड इफेक्ट भारत पर पड़ रहा है, अब पड़ने दिखने भी लगा है। तो महंगाई बढ़ रही है, हम काफी दिनों से आपसे कह रहे थे कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा $140 प्रति बैरल पर पहुंच गए थे, तब से हम आपको सावधान कर रहे थे कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। अब डीजल के दाम थोक विक्रेताओं के लिए 25 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं।